गया आपको? बात का बताओ ना, मक्का बात का होगा। मेरी बात सुनो लाली, लाली बेकर सुन। अभी तो बुढ़िया का खेला खत्म। शेखर बाबुआ जी को उनको कल लाश मिलेगी। लाली, आज तेरा हिसाब किताब पूरा करके ही रहूंगा। जब तक तेरा कत्ल नहीं करूंगा, अपनी पुछिए की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। लाली, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। शेखर बाबा छोड़ दे, आज हम कहीं नहीं छोड़ूंगा। खोलो माँ। अरे को डॉक्टर को बुलाएगा कि सब बुद्ध की तरह यही खड़े रहोगे? सब यहाँ देखते रहोगे तमाशा? ये सगरवा पता नहीं कमरे में लेके चल, तू पत्थर की तरह खड़ा खड़ा काम देखेगा। पता नहीं को उठा, चलो उठा। डॉक्टर सुन सुन रुक, अरे सुन जाए यहाँ से, और वो हराम जाती वो ललिया पर नजर रख, जानी नहीं चाहिए कैसे भी जाके। डॉक्टर बाबू का है ना कि बड़े ठाकुर और बड़े ठकराइन के बीच में ना वो तीर तलवार खींची रहती है। अब जाने बड़े ठाकुर की कौनों बात से बड़ी ठकराइन को ज्यादा ही बुरा लग गया, तो बताइए आज तो गुस्से के मारे जहर पी गए। और अगर ये बात कौनों को पता चल गई तो बाबूजी माँ जी के ठीक होने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। हाँ दिखाओ रहा। वो आपकी पतहू विनती कर रही थी कि उनकी सास को हम जल्दी से अच्छा कर दें। यहाँ खड़े होने से ठीक हो जाएंगे, आइए चलिए। हे शंकर जी, बड़ी ठकुरन की रक्षा कीजिएगा। कहो सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? देखिए अब ही तो कुछ नहीं बता सकते, तनी इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इंजेक्शन और दवाई का क्या असर हो रहा है। लेकिन हमको एक बात बताइए, आप माँ जी को उल्टी काहे करवाएं? वो अरे हाँ, वो तनी 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 देखना पड़ेगा कि कोनो अंदरूनी चोट तो नहीं है। अरे भाई कमरा में इतना भीड़ काहे लगाई है? तनी बाहर जाइए, सिर्फ एक दो लोग रुकिए यहाँ पे। जाइए सब बाहर जाइए। बीच पूजा से कहाँ गायब हो गए थे आप लोग? ललिया तो हम अपनी आंखों से देखा, ओकरे पहले आप लोग कहाँ गायब हो गए थे? कहे ना कि जैसे हम पूजा में गए तो छोट की दुल्हन कहने लगी हमसे कि उनको शक है कि वो चिड़ैया हवेली में ही है। तभी हम तीनों लोग यहाँ आए उस चिड़ैया को ढूंढने। अब उसको कौन नहीं छुएगा, ओकरा हिसाब किताब अब हम करूंगा।